आपको मूवी? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी है एंड मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है. IVF पे जिस तरीके से बात की गई है बहुत ही कॉमेडी तरीके से बात की, इमोशनल भी पार्ट दिखाया है, सो फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है. अक्षय कुमार और करीना कपूर की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? अक्षय कुमार और करीना कपूर की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है क्योंकि जब हमने उन्हें एतराज़ में देखा था तो वहीं से ही उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी, तो अब गुड न्यूज़ में देखने के बाद तो मुझे और भी अच्छी लगी. तभी से आप फैन है एतराज़ से? बिल्कुल. अच्छा, इसलिए फर्स्ट शो देखने आई है आप? जी बिल्कुल. अच्छा, तो बाकी दिलजीत के बारे में और कियारा के बारे में क्या कहना है आपका? कियारा मुझे इसमें काफ़ी हॉट लगी, भले ही उन्होंने वो एकदम पंजाबी रोल किया है लेकिन कियारा मुझे हॉट बहुत लगी है. साथ ही अगर दिलजीत की बात करूँ तो उनकी कॉमिक टाइमिंग जो है वो मुझे अक्षय से भी ज़्यादा अच्छी लगी है समटाइम, कि कई बार उन्होंने काफ़ी अच्छी टाइमिंग पकड़ी है, कई बार उन्होंने अच्छी डायलॉग डिलीवरी दी है, तो आई लाइक इट. बाकी डायरेक्शन के बारे में? राज मेहता का डायरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है. उन्होंने किस वक्त में आपको हंसाना है, किस वक्त में आपको रुलाना है, इन सभी बातों पे काफ़ी गौर किया है. ओवरऑल आपको मूवी कैसी लगी? ओवरऑल मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे फैमिली ओरिएंटेड भी लगी, कि मुझे ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो. सो आई विश कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखने ज़रूर जाएँ. 5 स्टार में से कितने देने चाहिए? मैं 4 दूँगी. तो आपको इतनी अच्छी लगी फिर भी 4 स्टार? हाँ, कहते हैं ना कि थोड़े थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं फिल्म में, तो उसके लिए मैंने 1 स्टार माइनस कर दिया. ओके, थैंक यू सो मच.